नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्लाम में आखिर क्यों शुगर को गंदा यानी कि हराम बोला गया है। क्या पता है आपको दोस्तों, मुस्लिम धर्म की सबसे बड़ी धार्मिक पुस्तक कुरान में तीन जगह साफ साफ लिखा है कि मुसलमान शुगर का मांस नहीं खा सकता है। सबसे पहले तो बता दें कि इस्लाम में शुगर नाम लेना भी हराम बोला जाता है, लेकिन आज तक इस मुद्दे पर मिथ्या बातें की जाती है। जिस तरह से इस्लाम में शुगर को हराम बोला गया है, आज विज्ञान भी मानने लगा है कि शुगर का मांस इंसान के लिए सही नहीं है। दोस्तों क्या लिखा है इस्लाम में, हम आपको बताते हैं। इस्लाम में शुगर का मांस कुरान के स्पष्ट प्रमाण के द्वारा हराम यानी कि निषेध किया गया है, और वह अल्लाह ताला का यह कथन है कि तुम पर मुर्दा खून और शुगर का मांस हराम है। दोस्तों तुम्हारे लिए हराम किया गया मुर्दा खून, शुगर का मांस और वह खाना जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो, ये कुरान में लिखा है। किसी भी परिस्थिति में मुसलमान के लिए इसको खाना वैध बताया गया है, सिवाय इसके कि उसे ऐसी जरूरत आ जाए जिसमें उसका जीवन उसको खाने पर ही निर्भर करता हो। वैसे शरीयत ग्रंथों में भी शुगर के मांस के हराम किए जाने के किसी विशिष्ट कारण का उल्लेख तो नहीं है। इसके बारे में केवल अल्लाह ताला का यह कथन है कि यह निश्चित रूप से गंदा, अशुद्ध और पवित्र नहीं है, और वह पाक चीजों को हलाल बताते हैं और नापाक चीजों को हराम बताते हैं। क्यों शुगर गंदा जानवर है और इसको खाना क्यों हराम है? दोस्तों इस्लाम में एक बात साफ साफ बोली गई है कि व्यक्ति को गंदगी से बहुत दूर रहना चाहिए। यहाँ साफ बताया गया है कि ऐसी चीजों से भी आप दूर रहें जो गंदी हो। इसलिए मल मूत्र या दूसरी किसी तरह की गंदगी कपड़ों पर या फिर बदन पर लग जाए तो इंसान नमाज नहीं पढ़ सकता और ना ही कुरान शरीफ पढ़ सकता है जब तक वो उस गंदगी को साफ ना कर दे। आखिर क्यों शुगर इंसानों और जानवरों की गंदगी खाता है? दोस्तों ये जानवर जैसे भी सभी प्रकार के मल खाते हैं तो इससे यह एक अपवित्र जीव बन जाता है, इसलिए इस्लाम में इसको हराम बोला गया है। आखिर शुगर से होती है खतरनाक बीमारियां। जी हाँ दोस्तों, हाल ही के कुछ डॉक्टर्स ने बताया है कि शुगर खाने वालों को 24 किस्म की घातक बीमारियां हो सकती हैं। अभी अभी विश्व में एच जो एक प्रमाणित किया गया है कि यह एक खतरनाक वायरस चल रहा है, उसकी वजह से यह काफी खतरनाक है और लोगों की मौत तक हो रही है। शुगर में होते हैं खास तरह के कीड़े। जी हाँ दोस्तों, शुगर में खास तरह के कीड़े होते हैं जो इंसानी शरीर में नहीं जाने चाहिए। यह कीड़े खून में अंडे देते हैं और फिर वे अंडे बाकी पूरे शरीर में फैल जाते हैं। यह अगर दिमाग में चले जाएं तो इंसान की मौत हो सकती है। सबसे बेशर्म जीव बोला जाता है शुगर को। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि हम जिस तरह का भोजन करते हैं उसका असर हम पर जरूर पड़ता है। शुगर सबसे बेशर्म जीव है। केवल यही एक ऐसा जानवर है जो अपने साथियों को बुलाता है कि वे आएं और उसकी मादा के साथ यौन इच्छा पूरी करें। अब अंतिम बात बेशक आपको अजीब लग सकती है, लेकिन आज विज्ञान भी कहने लगा है कि शुगर का मांस इंसान को नहीं खाना चाहिए। शायद पश्चिमी देश वाले इस्लाम की इस बात को स्वीकार करते तो शायद विश्व कई तरह की बीमारियों से बच सकता था। दोस्तों ये वीडियो किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है, अपितु इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ को जरूर शेयर कीजिए। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।